हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विदेश यात्रा चैनल। मैं हूं मयूरी। आज हम आएंगे करियर नक्शा। सो आज हम आए करियर नक्शा में निमेश गोपाल जी को मिलने के लिए, और ये है निमेश जी। निमेश जी, आपके बारे में बताएं कि आपने करियर नक्शा कैसे स्टार्ट किया और आपकी जर्नी क्या रही। सो करियर नक्शा की शुरुआत 2018 में हुई मयूरी जी, और 2018 में हम सबसे पहले एमएस यूनिवर्सिटी में हमारे स्टार्टअप को स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी के थ्रू इंक्यूबेशन मिला, और इंक्यूबेशन मिलने के बाद हमें एमएस यूनिवर्सिटी में ऑफिस स्पेस मिला, तो वहां से हमारी शुरुआत हुई। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जर्नी क्या है और करियर नक्शा को हमने किस तरीके से आइडिया को कॉन्सेप्चुलाइज किया, आइडिया को कैसे हमने फाइनलाइज किया और किस तरीके से हम क्या क्या काम करते हैं। तो मेरी जर्नी, जैसे मैंने इंजीनियरिंग किया है और 2008 में मैंने आईआईटी जेईई एग्जाम क्रैक करके फर्स्ट अटेम्प्ट में आईआईटी रुड़की में मैंने दाखिला लिया, और उसके बाद इंजीनियरिंग में बायोटेक की डिग्री मैंने करी, और फिर उसके बाद मैंने बाहर जाके यूएस में जाके मैंने अपना मास्टर्स किया हुआ है, और मास्टर्स करने के बाद मैं इंडिया वापस आया और एक दूसरी संस्था जिससे मैं एज अ सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर था वहाँ पर, तो वहाँ पे मैं काम करते करते मैंने अहमदाबाद में ट्रांसफर लेके फिर मैं अहमदाबाद में आया, फिर फाइनली बड़ौदा में मेरे पेरेंट्स सेटल्ड थे तो मुझे यहाँ से शुरुआत करनी थी, और स्टार्टअप का कीड़ा बहुत पहले से था, तो फाइनली एक आइडिया देखा था जिसमें हम लार्ज स्केल पे बच्चों को एक सही दिशा और सही गाइडेंस दे सके, उस मकसद के साथ हमने करियर नक्शा का नाम सोचा कि हम लोगों के लिए एक सही करियर में नक्शा दे सके, उनको एक राइट डायरेक्शन दे सके, तो उस थॉट से करियर नक्शा की शुरुआत हुई 2018 में, और वहीं से हम आज हमें 3.5-4 साल हो गए मयूरी जी, तो उसी से हम आगे बढ़े। सो करियर नक्शा स्पेशली स्टूडेंट को बाहर जाने के लिए किस तरह से हेल्प करते हैं वो हमें पूरा निमेश जी बताएं। सो करियर नक्शा हमारी जो एक प्रोसेस है प्रॉपर मेथडोलॉजी के थ्रू हम स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं या स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाने का हम उनको मार्गदर्शन देते हैं, उसे हम कहते हैं साइकोमेट्रिक बेस्ड करियर काउंसलिंग, जिसमें हम सबसे पहले स्टूडेंट का उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका एप्टीट्यूड, स्किल्स, नॉलेज, ये सारी चीजों को पहले जानते हैं, समझते हैं कि उनकी क्षमताएं कहाँ है, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। जब ये पता चल जाता है स्टूडेंट का, तो हम उनको एक राइट डायरेक्शन दे पाते हैं, तब उसके बाद शुरू होता है कि कौन सी कंट्री, कौन सा कोर्स, किस तरीके से क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, किस तरीके से उनको कौन से फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां पे कॉलेज में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, ये सारी पर्सनलाइज्ड करियर काउंसलिंग और गाइडेंस हम स्टूडेंट को देते हैं। तो निमेश जी, हमने थोड़े क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि हमारे ऑडियंस को भी काफी आइडिया मिल जाए कि वो किस तरह से अब्रॉड जाने के लिए कौन कौन से उनके चैलेंजेस आते हैं, तो आपके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि बाहर जाने के लिए सबसे पहला स्टेप्स क्या होता है, मतलब अगर हमें बाहर जाना ही है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं एज अ स्टूडेंट। एज अ स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है कि आपको अपना माइंडसेट बनाना। स्टूडेंट को पता नहीं होता है कि हम अगर विदेश जा रहे हैं या कोई फॉरेन कंट्री में हम जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए या सेटल होने के लिए या वहाँ पे हायर एजुकेशन लेने के लिए या वहाँ पे एक अच्छी और जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसका एक रीजन होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं तो हम क्या पढ़ेंगे, तो क्या बनेंगे, क्या करेंगे वहाँ पे, कैसे सेटल होंगे, या अगर हम पढ़ेंगे फिर वापस आना है आपको तो इंडिया में आप क्या करेंगे, तो एक थॉट, एक प्लानिंग, एक प्रॉपर डायरेक्शन के साथ प्लानिंग होना चाहिए, और उस तरीके से आपको सोच रख के आपको पहला स्टेप आपका माइंडसेट क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जैसे बड़ौदा में या गुजरात में, वो गुजरात के बाहर ही नहीं निकलते है ना, बड़ौदा के बाहर ही उन्होंने कुछ देखा नहीं होता, तो उनको पता ही नहीं होता है कि एकदम से गुजरात के बाद वो डायरेक्ट कैनेडा चले गए या यूएस चले गए, लेकिन वहां पर उनको लॉन्ड्री खुद करना होता है, वहां पे उनको खाना खुद बनाना है, पार्ट टाइम जॉब उनको खुद करनी है,
पढ़ाई भी कर रही है तो उनका जो दिनचर्या है वो यहाँ से ज्यादा टफ है। तो माइंडसेट अगर उनका बिल्ड ही नहीं है कि भाई मुझे बाहर जाना है पढ़ना है, तो पढ़ने के साथ साथ मुझे ये सारी चीजें भी करनी पड़ेगी। तो ये चीज स्टूडेंट को आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि पहले आप माइंडसेट बनाइए कि आप पढ़ने जाना चाहते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ आपको बहुत सारी 360 डिग्री में आपको सोच रख के आप उस कंट्री में जाइए और उसका बेनिफिट्स है, प्रोज है, कॉन्स है, सब कुछ है, उसकी आज हम चर्चा करेंगे। बट हाँ, डेफिनेटली एक माइंडसेट स्टूडेंट को पहले क्रिएट करना चाहिए। दूसरा ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट अगर जाना चाहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि कंट्री पता नहीं, मेरे फ्रेंड ने ये कंट्री चूज किया, मेरे पेरेंट्स के फ्रेंड ने ये कंट्री चूज की, तो उनको कंट्री चूज करनी होती है तो वो किस हिसाब से, किस बेस के ऊपर से वो कंट्री सिलेक्ट करते हैं? डेफिनेटली सो हर कंट्री का एक स्पेशल चार्म है या स्पेशल रीजन होता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस, तो यूएस में सिलिकॉन वैली या वेस्ट कोस्ट कहिए या ईस्ट कोस्ट कहिए, जहाँ पे न्यूयॉर्क ईस्ट कोस्ट में, तो न्यूयॉर्क फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है, न्यूयॉर्क में फाइनेंस की चीजें बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। वेस्ट कोस्ट में टेक्नोलॉजी, सिलिकॉन वैली टेक, फेसबुक, एप्पल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वहाँ पे टेक का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वहाँ पे अच्छी जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, तो यूएस पर्टिकुलरली इसलिए ज्यादा जाना जाता है। इसी तरीके से यूनाइटेड किंगडम, यूके, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर कंट्री का एक रीजन है, हर कंट्री का एक स्पेशलाइजेशन है, हर कंट्री का है वहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें पॉपुलर है या अपॉर्चुनिटीज कुछ अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटीज है। तो स्टूडेंट को चूज जब करना होता है कंट्री, तो पहले ये देखें कि आप किस करियर में आप जाना चाहते हैं, वहां पर आप सेटल होना चाहते हैं, तो आप कौन सी जॉब करेंगे या वहां पे आप बिजनेस करेंगे, तो उस कंट्री में एक इंडियन सिटीजन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है सब कुछ ध्यान रख के, क्योंकि एजुकेशन के बाद आप डेफिनेटली जॉब करना चाहेंगे, सेटल होना चाहेंगे, राइट, और फिर फैमिली होगी या आप वापस इंडिया आना चाहेंगे, तो वो सारी चीजों को देखकर एक कंट्री को चूज करना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ने चलो कंट्री को सिलेक्ट कर ली, माइंडसेट हो गया, फिर आता है नेक्स्ट कॉलेज सिलेक्शन। कॉलेज सिलेक्शन में किस कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है, क्या रिसर्च करना पड़ता है, और हमारा जो एग्जिस्टिंग कोर्स है उसके ऊपर जाना चाहिए, हम कुछ कोर्स चेंज करते हैं बेस्ड ऑन कंट्री, तो उसमें किस तरह से करना चाहिए? डेफिनेटली सो कंट्री हमने सेलेक्ट किया, हमने कॉलेज और यूनिवर्सिटी या कौन सी डिग्री करेंगे या कौन सा कोर्स करेंगे, तो उसका भी एक रीजन इस तरीके से होना चाहिए कि आपने अगर बैचलर्स किया है या आपने 12वीं तक आपने 11th 12th मैथ्स, तो अगर आप उसके ऊपर अगर अपनी चीज पढ़ाई करते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। हायर एजुकेशन का आपका फाउंडेशन जो इंडिया में आपने ऑलरेडी लिया है उसके बेसिस पे आप आगे जाते हैं, तो आपको इजिली वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप चेंज करना चाहते हैं अपनी स्ट्रीम या सब्जेक्ट को, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो जो कोर्स या जो डिग्री है उसकी मान्यता है कि नहीं, है ना, वो डिग्री मिलने के बाद आपको जॉब मिलेगी कि नहीं, या उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की रैंक क्या है, है ना, वो लोकल कॉलेज है, स्टेट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको पता लगानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप किसी डिग्री के लिए जाते हैं या किसी कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, तो वहां पर जाने के बाद जब आप पढ़ाई करेंगे तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको जॉब के लिए हेल्प करेगी कि नहीं, वहाँ की एलुमनाई कैसी है, वहाँ के जो लोग ऑलरेडी पास आउट हुए उनसे फीडबैक लीजिए, उनसे जानिए, उनसे मुलाकात करिए, या उनको आप फेसबुक के थ्रू, फेसबुक ग्रुप्स हैं आजकल, बहुत सारे फोरम्स होते हैं, वहां पे आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग क्या सोचते हैं उन अपने यूनिवर्सिटी के बारे में। लोगों को यहाँ बैठे बैठे पता नहीं होता है, राइट, तो हम जनरली क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि किसी भी कंसल्टेंसी के पास जाते हैं तो उनसे ये चीजें पूछते हैं, लेकिन आज हमारे पास इंटरनेट है, आज हमारे पास सोशल मीडिया है, आज हमारे पास हम किसी से भी, किसी के नाम से, किसी यूनिवर्सिटी से लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उनसे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि वो कोर्स या यूनिवर्सिटी या वो कंट्री जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं वो कितनी आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो सही है कि नहीं आपके लिए, वहां पे आप जाएंगे तो जो भी आप अपना खर्चा करेंगे, क्योंकि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सोचते हैं कि हमें कितना खर्चा होगा, आप मिनिमम 20-25 लाख रुपए खर्च करते हैं तो उसका एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए,
तो वो भी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है कि आप कितने सालों में जो आपने लोन लिया है पढ़ाई के लिए या जो भी आप वहां पे जाने के लिए, तो वो आप कितने सालों में चुका पाएंगे। तो ये सारी चीजों को सोचकर बैलेंस करके स्टूडेंट्स को अपना डिसीजन लेना। ओके, तो फिर अगर स्टूडेंट ने, चलो सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया कि कोर्स सिलेक्ट कर दिया, फिर कॉलेज सिलेक्ट कर दिया, अब उनको वहां जाने के लिए सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन और उनके पास क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि कॉलेज सिलेक्शन के बाद उनको अप्लाई करना है, तो बेसिकली उनको कितनी प्रिपरेशन उनके हैंड से, या फिर अगर कोई भी कंसल्टेंसी से कनेक्ट होते हैं या फिर करियर नक्शा के पास आते हैं, तो फिर वहां से क्या रोल होता है? डेफिनेटली, तो अब जैसे आपने पहला स्टेप रिसर्च कर लिया, अब रिसर्च करने के बाद आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, तो इसको हम कहते हैं करियर एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है कि आपको उस यूनिवर्सिटी या कोर्स के मिनिमम क्वालिफिकेशन होंगे या मिनिमम क्राइटेरिया होंगे, रिक्वायरमेंट्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल IELTS स्कोर या TOEFL स्कोर या GRE स्कोर या जो भी PTE स्कोर या जितने भी एग्जाम्स होते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम। किसी का मिनिमम क्राइटेरिया होगा कि IELTS में 7 बैंड होना चाहिए, किसी का होगा कि GRE में आपका 300 मिनिमम स्कोर होना चाहिए। तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो देख के उनको एक एक करके अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम की, जो भी एग्जाम, अगर IELTS है तो IELTS की तैयारी शुरू करनी चाहिए और अपना टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ, अगर मुझे इस यूनिवर्सिटी या इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेरे को इतना तो मिनिमम लाना पड़ेगा। तो हम उसकी तैयारी सबसे पहले शुरू कराते हैं कि IELTS या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी हो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्टूडेंट्स को लोकली पता नहीं होता है, वो है प्रोफाइल, कि आपको आपकी प्रोफाइल भी बिल्ड करनी है। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है कि जैसे हम बेसिक टर्म्स बोले तो आपका रिज्यूम, तो आपका एक्सपीरियंस, आपने इंटर्नशिप किया है कि नहीं, आपने कहीं पे एनजीओ के साथ काम किया है कि नहीं, आपने कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करी है कि नहीं, ये सारी चीजों को मिला के आपका एक प्रोफाइल बनता है। जब आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप एक अच्छी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। और ऑफकोर्स IELTS स्कोर, GRE स्कोर ये भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस जो होती है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सबसे ज्यादा होती है। तो वो चीज पे आपको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको भी आपको एक फोकस देके अपना स्टेप्स एग्जीक्यूट करना है। ये आपने किया, प्रोफाइल बिल्ड किया, आपने कॉम्पिटिशन की तैयारी करी, आपने IELTS एग्जाम वगैरह प्रिपेयर किया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद वाला स्टेप होता है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपको करना है। डॉक्यूमेंटेशन में आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना होता है कि आप क्यों जा रहे हैं, जाएंगे तो आपको वहां पे क्यों पढ़ना है, उसको पढ़ के आपको क्या मिलेगा, आपका विजन क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हैं और उस यूनिवर्सिटी को आपसे क्या मिलेगा। क्योंकि अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं, जैसे US की जो टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, कार्नेगी मेलन, हार्वर्ड, कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज में आप देखेंगे कि वो लोग सिर्फ यही नहीं जानना चाहते हैं कि हम आपको क्यों लें, बट उनका क्या बेनिफिट होगा। तो यूनिवर्सिटी चाहती है कि जब मेरा स्टूडेंट कोई ग्रेजुएट हो तो एक बहुत ही उच्च स्तर पर एक अकम्प्लिश्ड एलुमनाई बन के निकले या कोई अच्छी जगह जॉब ले सके, तो उनको अपना रेस्पेक्ट और अपना ब्रांड नेम भी उनको इंटैक्ट रखना होता है। तो ऐसी जो बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है, टॉप यूनिवर्सिटीज, वो चाहती है कि हमें अच्छे बच्चे मिले और उन बच्चों में कोई ना कोई खूबी होनी चाहिए जिस वजह से हम उनको एडमिशन दें। तो ये सोच रखकर स्टूडेंट को सारा अपना प्रोसेस करना चाहिए। राइट, और उसके बाद अगर जो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जॉब पर्पस के लिए जाते हैं और उनको स्टडी भी करनी है और जॉब भी करनी है, तो उस सिनेरियो में उनको किस तरह की स्किल यहाँ से सीखी हुई या डेवलप की हुई वहाँ पे उनको जॉब करने में या फिर स्टडी के साथ एक्स्ट्रा अर्न करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है? डेफिनेटली, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स जो कोई भी कंट्री बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको हमेशा पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है, बिकॉज उनको अपना लिविंग, अपने जो भी वो खा पी रहे हैं, रह रहे हैं, जो भी रेंट है, ये सारी चीजें होती है, ग्रोसरीज वगैरह, वो सब सपोर्ट करना होता है, क्योंकि हर चीज वो घर से नहीं मांग सकते और लोन नहीं ले सकते। तो इस वजह से उन लोगों को पार्ट टाइम जॉब करनी ही पड़ती है। तो पार्ट टाइम जॉब
जनरली जो होती है वो या तो आपके एडमिशंस टीम में होती है, मतलब जो भी यूनिवर्सिटी की एडमिशंस टीम होती है, या फिर उनकी मार्केटिंग टीम होती है, या फिर उनकी रिसर्च की टीम होती है। बहुत सारे अलग अलग फैकल्टीज होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मैनेजमेंट में जाओ तो मैनेजमेंट की जो फैकल्टीज होंगी वो उनको रिसर्च एसोसिएट्स चाहिए, उनको आरए चाहिए, उनको टीचिंग असिस्टेंट चाहिए, टीए चाहिए होता है। तो इन जॉब्स को स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं इवन बिफोर गोइंग टू दैट कंट्री और दैट कोर्स और यूनिवर्सिटी। तो ये चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा कि अगर आप पार्ट टाइम सोच के जा रहे हैं तो वो अभी से जब इंडिया में वो अप्लाई कर रहे हैं तो भी वो यहाँ से अप्लाई करके जा सकते हैं। दूसरा, अगर उनको कोई स्किल्स, जैसा आपने बोला कि कोई नई स्किल्स सीखनी चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यूरोप में जा रहे हैं, जैसे मैं बताऊंगा, तो यूरोप में स्पेन में जा रहे हैं या जर्मनी जा रहे हैं या इटली जा रहे हैं, तो अगर आपने एक सेकेंड लैंग्वेज सीखी, जैसे जर्मन सीख ली या आपने स्पेनिश सीख लिया या आपने इटालियन सीखा, तो ये सारे जो लैंग्वेजेस अगर आप सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं इंग्लिश के अलावा, अपनी मातृभाषा हिंदी और गुजराती के अलावा, तो आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। आपको वहां पर जो भी आप कोई भी जॉब, लोकल जॉब्स के लिए आप पार्ट टाइम के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास जब ये लैंग्वेज होगा तो लैंग्वेज बैरियर नहीं होगा। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि अगर आप ऐसी कोई कंट्री में जाना चाहते हैं जहां पर एक डिफरेंट लैंग्वेज है तो वो आप डेफिनेटली आप पढ़ें। फ्रांस में फ्रेंच एंड इवन कनाडा में आजकल क्यूबेक रीजन में फ्रेंच बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंच ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस एक बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। दूसरा, अगर आप स्किल बेस्ड लर्निंग, अगर आप समझे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स, अगर आप टीम बेस्ड प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं या कोई असाइनमेंट्स लोगों के आप हेल्प कर सकते हैं, जैसे आपकी भी इंस्टीट्यूट है तो जहाँ पर स्टूडेंट्स को आप पढ़ा सकते हैं या स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं, तो आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपको माहिती है तो आप किसी स्टूडेंट को हेल्प कर सकते हैं पार्ट टाइम जॉब्स में और वो सारी चीजों में, तो वो भी आप दूसरा अगर स्किल डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपसे वही पूछूंगी कि आप जब यूएस गए, जैसे आपका एजुकेशन आईआईटी से है, तो आईआईटी की जर्नी के बाद यूएस की जर्नी आपको कैसी लगी, आपने क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए और फिर आप वहां कैसे पूरी आपकी स्टडी खत्म करें और उसके बाद यहां पे आए, तो वो जर्नी सर। तो मैं आईआईटी मैंने 2012 में कंप्लीट किया, लेकिन मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि मैं यूएस जाके पढ़ूंगा या किसी और कंट्री में जाके पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा मन हमेशा से यही था कि मैं इंडिया में ही पढ़ूंगा और इंडिया में ही कुछ ना कुछ करूंगा, या तो जॉब करूंगा या क्या कहते हैं अपना स्टार्टअप या बिजनेस करूंगा। तो 2012 के बाद जब जॉब लगी मेरी, तो वॉकआउट करके फार्मास्यूटिकल कंपनी सब जाती होंगे, तो वहां पर मेरी जॉब लगी थी, लेकिन मेरा मन नहीं था कि मुझे जॉब करना है, कुछ स्टार्टअप करना है। तो स्टार्टअप किया एक साल, दिल्ली में था मैं जनकपुरी में, तो काफी 7-8 महीने वहां पे स्ट्रगल किया, देखा कि किस तरीके से स्टार्टअप्स कर सकते हैं, कौन से आइडिया पे काम कर सकते हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे जब स्ट्रगल होता है तो क्या है, पेरेंट्स थोड़े क्या कहते हैं चिंतित हो जाते हैं, राइट, कि बच्चा क्या कर रहा है। तो हमारे पास भी जब पेरेंट्स आते हैं तो वो चाहते हैं कि उनका बेटा या बेटी एक सिक्योर सेफ करियर हो उसका, वो सेटल हो पाए, वो एक राइट डायरेक्शन ले पाए। तो ऐसे मेरे माता पिता भी बहुत चिंतित थे कि भाई मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, फिर हायर एजुकेशन भी नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ, जो कि उस टाइम बहुत नया था, आज तो बहुत लोग स्टार्टअप्स करते हैं। लेकिन तो उस वजह से एक फैमिली प्रेशर भी होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो एक काम करो, आप पढ़ लो पहले थोड़ा। तो पेरेंट्स ने बोला कि आप पढ़ो, मैंने भी सोचा कि ठीक है चलो पढ़ लेते हैं थोड़ा, देखते हैं कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फिर मेरे को पता चला कि मैनेजमेंट, क्योंकि स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप या एमबीए जैसा कुछ करना चाहिए। तो फिर मेरे को देखा कि एमबीए करने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं किसी कंट्री में तो जनरली इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए वहां पे। अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको 2-3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है, लेकिन 1 साल के एक्सपीरियंस से इतना आसान नहीं होता है कि आप एमबीए कर सकते हैं। तो फिर मैंने कॉलेजेस ढूंढे, यूनिवर्सिटीज ढूंढा, फिर मैंने ये पूरा स्टडी अब्रॉड का एक पूरा प्रोसेस के थ्रू मैं खुद गुजरा कि कैसे यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, क्या सर्च करना चाहिए, किस तरीके से हम अपने आप को राइट डायरेक्शन में हम पता कर सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो मेरे को पता चला कि यस, अच्छा यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करना है, रैंकिंग्स देखनी होगी, कौन से कॉलेजेस में, कौन सी कोर्स में क्या
मैनेजमेंट रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हो सकते हैं, हाइब्रिड कोर्सेज, इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज, ये सारी चीजें पता चली। फिर फाइनली मेरे को पता चला कि ठीक है मुझे मास्टर्स करना है, मैनेजमेंट में करना है, लेकिन मैंने बायोटेक की डिग्री की है तो उसको यूज करके मैंने डिग्री फाइंड आउट करी जिसका नाम था मास्टर्स ऑफ बिजनेस इन बायोसाइंस, जो कि एक हाइब्रिड डिग्री कहलाती है। तो ये क्लेयरमॉन्ट कॉलेज, जो कि क्लेयरमॉन्ट 1 घंटा लॉस एंजलिस से दूर है, वहां पर केन ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट करके है और ड्रकर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट करके एक इंस्टीट्यूट है, वहां पर ऐसी डिग्री मिलती है। तो ये डिग्री बहुत नई डिग्री थी और मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में, काफी गूगल पर सर्च किया, लोगों को भी नहीं मालूम था, तो ये मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। तो मैंने सोचा ठीक है इसमें अप्लाई करते हैं, देखते हैं, मैनेजमेंट सीखेंगे प्लस बायो टेक से रिलेटेड थोड़ी बहुत चीजें पता चलेंगी, प्लस लॉस एंजलिस और क्या कहते हैं कैलिफोर्निया जाने को मिलेगा। तो फिर मैंने उसमें अप्लाई किया और फाइनली वहां पे हो गया और मेरे को 30-40% स्कॉलरशिप भी मिला बाय द वे। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो हमने रिस्क कर दिया कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती है ना, तो स्कॉलरशिप्स के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्कॉलरशिप कौन सी यूनिवर्सिटीज देती हैं, उनका क्राइटेरिया राइट, तो ये क्राइटेरिया क्या होता है। तो मुझे क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी से 30-40% स्कॉलरशिप मिला, फिर मैं वहां पे गया, वहां पे मैंने एजुकेशन लिया, फिर एजुकेशन लेने के बाद मेरी जॉब लगी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो जिस कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करता था उसी कंपनी में मेरे को फुल टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली। यूएस में एक कॉन्सेप्ट होता है ओपीटी और सीपीटी करके, सो स्टूडेंट्स के पास दो अपॉर्चुनिटीज होती है, एक होती है सीपीटी जिसको हम करिकुलम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी होती है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जिसको हम ओपीटी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको एक सपोर्ट मिलता है यूएस में जिसको हम ओपीटी वीजा कहते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट वीजा का एक्सटेंशन वीजा होता है, तो जिससे वो उस दौरान जॉब भी कर सकते हैं, प्लस उनको H1B वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा की जरूरत नहीं होती। तो यूएस में ये फायदा बेनिफिट मिलता है किसी भी स्टूडेंट को जो यूएस में पढ़ना चाहता है। तो उसी तरीके से ये इस चीज का बेनिफिट मैंने लिया और इसी तरीके से मैंने वहां पर जो जॉब करी वहां पे पार्ट टाइम जॉब करी, फिर उसके बाद फुल टाइम जॉब करी उसी कंपनी में और फिर वहां से मैं इंडिया आया था। तो ये एक जर्नी है जो आप किसी भी एलुमनाई या किसी भी स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहां पे पढ़ रहा है उससे आप ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट सिर्फ एक एजुकेशनल कंसल्टेंट या आपके लोकल स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के अलावा उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एलुमनाई या स्टूडेंट से भी आप बात करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो काफी अच्छा लगा आपके साथ इतना सारा डिस्कस करने के बाद, हमारी ऑडियंस को भी काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब लास्ट में हमें ये बताओ कि अगर करियर नक्शा के पास स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या क्या सर्विसेज उनको करियर नक्शा देता है ताकि उनकी जो अब्रॉड जाने की जर्नी होती है वो स्मूथली हो जाए और वहाँ आराम से पहुंच जाए डेस्टिनेशन जो भी होता है। डेफिनेटली, तो करियर नक्शा में हमने 3-step प्रोसेस डेवलप किया है। स्टेप 1 में हम स्टूडेंट का बैकग्राउंड या उनका पूरा केस हिस्ट्री लेते हैं जिसमें हम उनके पूरे एम्बिशंस, उनके पैशन, उनके वो अभी करंटली उनका क्या पेरेंट्स क्या करते हैं राइट, और वो अभी कहाँ से स्कूलिंग कर रहे हैं या कॉलेज कर रहे हैं, तो ये पूरा बैकग्राउंड लिया जाता है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में हम स्टूडेंट का पूरा साइकोमेट्रिक असेसमेंट करके उनके राइट कोर्स, राइट डिग्री, राइट यूनिवर्सिटी, राइट डायरेक्शन कंट्री, जैसे हमने आज बात करी, तो ये सारी चीजों को हम सेकेंड स्टेप में एनालाइज कर पाते हैं कि स्टूडेंट का डायरेक्शन क्या बेटर रहेगा। फिर थर्ड स्टेप में हम पर्सनल 1-to-1 काउंसलिंग सेशन करते हैं जिसमें हमारा एक एक्सपर्ट काउंसलर होता है जो कि CCI काउंसलर काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफाइड, वो उसने प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर उनके पास नॉलेज होना चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही लोग हमारे काउंसलिंग करते हैं। तो ये हमारा एक 3-step प्रोसेस के बेसिस पे हम काउंसलिंग करते हैं। फिर स्टूडेंट का फाइनलाइज हो गया, कंट्री फाइनलाइज हो गया, उनको कॉलेज या डिग्री फाइनलाइज हो जाता है, तो फिर हमारा सेकेंड पूरा फेज होता है। ये फर्स्ट फेज में 3-step प्रोसेस है, सेकेंड फेज में फिर हम स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, फिर उनका IELTS, GRE या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन, फिर थर्ड स्टेप में उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, उनका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, कहाँ से कौन से यूनिवर्सिटी में कितने डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उसके बेसिस पर उनको पूरा गाइडेंस, फिर उसके बाद
फिर वीजा रिलेटेड सपोर्ट, किस कौन सा स्टूडेंट वीजा किस टाइप से परमिट चलता है, कौन सी कंट्री के क्या रूल्स रेगुलेशन है, कहाँ पे क्या आपको पेपर वर्क करना होगा, किस तरीके से अप्लाई करना है, वो सारी चीजें हम स्टूडेंट को एंड तक करते हैं। उसके बाद हम स्टूडेंट को अगर कोई सपोर्ट चाहिए लोन रिलेटेड, या आपको सपोर्ट चाहिए अकोमोडेशन रिलेटेड, या एलुमनाई से कनेक्ट कराना वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें भी हम स्टूडेंट को सपोर्ट करते हैं। ओके, सो हम आपको मिलके हमें काफी डिटेल्स भी मिल गई, और स्टूडेंट को वहां जाने के लिए जो जो चैलेंजेस थे वो आपके पास से हमें और हमारे स्टूडेंट को मिल गया। तो थैंक यू निमिष जी, आपको मिलके काफी अच्छा लगा और आपने बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट्स भी क्लियर कर दिए। थैंक यू सो मच मयूरी जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। होपफुली इस वीडियो के थ्रू स्टूडेंट्स और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनको, और अगर उनको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स। थैंक यू। थैंक यू।